Located at the Kamrej crossroad on the outskirts of Surat, Ozone, a small commercial hub, is a kind of a landmark in the area for which Aludecor customized a new sand finish outside its very popular sand series. टू थाउजेंड फोर्टीन में हमने डिज़ाइन किया था और दिस लोकेटेड नियर कामरेज क्रॉस रोड और अप्रोक्सीमेट लॉट एरिया नियर अबाउट 3000 स्क्वायर यार्ड एंड एक्चुअली इट इज़ अ स्मॉल कमर्शियल हब डिज़ाइन फॉर शॉप्स शोरूम्स होटल्स रेस्टोरेंट्स जिम बैंक्स एक्सेट्रा. उस टाइम पे एलुडेकोर कंपनी ने सेंट सीरीज इंट्रोड्यूस किया था, वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. तो उस टाइम पे जो सेंट सीरीज में जो भी शेड थे वो थोड़े डार्क शेड में थे और रस्टिक भी उसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ था. रस्टिक में मुझे एक शेड पसंद आया था, क्रीम शेड था, वो मुझे पसंद आया था. तो मैंने एलुडेकोर कंपनी से बात किया, रस्टिक का जो कलर था वो सेंट सीरीज में करके दे, तो उन्होंने करके दिया था, कस्टमाइज किया था पूरा. कंपनी ने 40-50 डेज में पूरा कंप्लीट करके मेरी प्रोजेक्ट के लिए एक नई सीरीज इंट्रोड्यूस किया था और उसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ SD 6016 करके नंबर भी दिया जो कैटलॉग के बाहर है, रेंज का ही बाहर है. हाँ, रेंज के ही बाहर है. वो नया एक इंट्रोड्यूस किया था, उसके साथ एक SD 6002 करके शेयर था मेरे ख्याल से ग्रे कलर का, और वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके पूरी डिज़ाइन किया था. और उसमें बीच में थोड़ा सा CNC कटिंग की पूरी ग्रिल किया था, एलिवेशन में देख सकते हैं. और उस टाइम पे कामरेज एरिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था CNC कटिंग विथ बैक लाइटिंग. तो आप शाम के टाइम पे देखोगे तो एकदम अच्छा लुक था. सैंड सीरीज में एक तो एलुडेकोर में से जो प्रोडक्ट बना था वो एक्चुअली रियल सैंड की इफेक्ट लाए थे और मैट कलर था. अभी आज का दौर में मैट कलर काफ़ी पॉपुलर है, तो मैट और सैंड रियल सैंड के हिसाब से लगा तो मुझे थोड़ा वो पसंद आया था, नेचुरल सैंड जैसा लुक है, इसके लिए मैंने पसंद किया था. कामरेज क्रॉस रोड पे इतना अच्छा आर्किटेक्चर डिज़ाइन वाला पहला ही प्रोजेक्ट था और 2014 में और दूसरी बात कि ये प्रोजेक्ट का प्लॉट जो है वो ट्रायंगल शेप का था, पूरा टोटली ट्रायंगल शेप का था. तो थोड़ा वो वर्किंग करके हमने जो प्लानिंग किया था तो उससे बहुत पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे. कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बहुत है लेकिन ये टाइप का लुक वाइज और ये टाइप का जो सुविधा है वो शायद नहीं होगी इस सब में. Smith Thakkar is also a staunch advocate of harnessing renewable energy. मेरे हिसाब से जो नेचर एनर्जी है जैसे सन विंड, उसका जो जितना हो सके उतना मैक्सिमम बेनिफिट मिले. जैसे समझो कि अभी सोलर एनर्जी है तो गवर्नमेंट तो प्रमोट कर रही है. थोड़ा मेरा इस सबसे मेरा सजेशन है सर, जैसे गवर्नमेंट ने अभी BRJS का सूरत में प्रोजेक्ट रखा, उसकी पूरी टेरेस फ्री है. तो ऐसा कर सकते हैं कि उसकी टेरेस पर सोलर पैनल रखे तो एटलीस्ट उसकी अंदर की कैबिन जो है BRJS की उसकी लेकर फ्री हो जाए. कमर्शियल प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े बिल्डर प्रोजेक्ट है, उसके सोलर पैनल फॉरेन में तो आप देख सकते हैं कि सब पैनल्स भी सोलर पैनल आने लगे. ग्लास जो ग्लास फैसन है वो सब सोलर पैनल आने लगी. तो अभी ओनली फॉर एलिवेशन के लिए सोलर पैनल ग्लास पैनल लगा रहा है, ओनली फॉर एलिवेशन. तो उसके अंदर सोलर पैनल भी ऐड हो जाए तो क्या है कि वो प्रोजेक्ट का समझो कि इलेक्ट्रिफिकेशन में काफ़ी सेविंग हो जाए। दूसरा कि बिल्डिंग का ओरिएंटेशन, उसमें भी गवर्नमेंट को या तो फिर गवर्नमेंट उसकी जो टाउन प्लानिंग स्कीम है वो थोड़ा ये नेचर एनर्जी के हिसाब से भी डिज़ाइन करे कि बिल्डिंग ही ऐसे डिज़ाइन हो जिसमें मैक्सिमम विंड एनर्जी और सन एनर्जी के बेनिफिट हो जो फ्री में अपने को मिल जाएगी।